In this question, if the coefficient of x raised to the power 10 in the expansion of ax square plus 1 upon bx raised to the power 11 is equal to the coefficient of x raised to the power minus 10 in the expansion of ax minus 1 upon bx square raised to the power 11, then the relation between a and b, where a and b are real numbers. So, ये हमारे पास क्या है, ax square expansion है, ax square plus 1 upon bx raised to the power 11, इसमें x raised to power 10 का coefficients क्या हो जाएगा, तो इसके tr plus 1th term क्या हो जाएगी, this is 11 cr ax square raised to power 11 minus r and 1 upon bx raised to power r. तो इसमें x का coefficients क्या है, x का coefficient आ जाएगा, this is x raised to power क्या आ जाएगा, this is 11 cr a raised to power 11 minus r इंटू वन अपॉन बी रेस्ट पावर आर, और एक्स की पावर क्या है 22 माइनस टू आर और माइनस ये आर है, तो यहाँ से ये वैल्यू क्या होनी चाहिए, तो एक्स रेस्ट पावर के किसका कोएफिशिएंट फाइंड आउट करें, 10 का, तो मीन्स 22 माइनस टू आर माइनस आर की वैल्यू क्या होनी चाहिए 10, तो यहाँ से वैल्यू क्या आ गई 3r इक्वल्स टू 12, सो आर की वैल्यू क्या आ जाएगी 4, सो कोएफिशिएंट ऑफ एक्स रेस्ट पावर 10 इन दिस एक्सपेंशन क्या आ जाएगा, आर इक्वल्स टू 4, मीन्स टी फिफ्थ टर्म ऑफ दिस एक्सपेंशन इज द कोएफिशिएंट ऑफ एक्स रेज टू पावर 10 है, मीन्स 11 सी आर के 4 ए रेज टू पावर 11 माइनस आर इज 7, 1 अपॉन बी रेज टू पावर आर, आर इज 4, ये हमारे पास कोएफिशिएंट ऑफ एक्स रेज टू पावर 10 आ गया, दिस इज इक्वेशन फर्स्ट. इक्वेशन सेकेंड हमें कहाँ से मिलेगी, तो हमें फाइंड आउट करें कोएफिशिएंट ऑफ एक्स रेज टू पावर माइनस एक्स रेज टू पावर माइनस 10 इन द एक्सपेंशन ऑफ ए एक्स माइनस 1 अपॉन बी एक्स स्क्वायर रेज टू पावर 11, मीन्स ए एक्स माइनस वन अपॉन बी एक्स स्क्वायर रेज टू पावर 11 में टी आर प्लस वन टर्म क्या हो जाएगी, दिस इज 11 सी आर ए एक्स रेज टू पावर 11 माइनस आर माइनस वन अपॉन बी एक्स स्क्वायर रेज टू पावर आर, सो दिस इज इक्वल्स टू 11 सी आर ए रेज टू पावर 11 माइनस आर माइनस वन अपॉन बी रेज टू पावर आर, और एक्स रेज टू पावर क्या है 11 माइनस आर माइनस टू आर, और हमें फाइंड आउट करना है एक्स रेज टू पावर माइनस 12 10 का कोएफिशिएंट, मीन एक्स रेज टू पावर क्या है यहाँ पर 11 माइनस 3r इक्वल्स टू माइनस 10, और वी कैन से 3r इक्वल्स टू 21, सो r की वैल्यू क्या आ जाएगी 7, सो कोएफिशिएंट ऑफ एक्स रेज टू पावर माइनस 10 क्या आ जाएगा इसके अंदर हमारे पास, मीन्स कौन सी टर्म हो जाएगी, r इक्वल टू 7, मीन्स 7 प्लस 1 इज मीन 8th टर्म ऑफ दिस एक्सपेंशन कंटेन्स द कोएफिशिएंट ऑफ एक्स रेज टू पावर माइनस 10 माइनस 10, सो 11 सी आर इज 7 ए रेज टू पावर 11 माइनस आर, सो 11 माइनस आर क्या 7 r, तो 11 माइनस 7 इज 4 माइनस वन अपॉन बी रेज टू पावर आर, आर इज 7, सो दिस इज इक्वेशन सेकेंड. नाउ इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकेंड बोथ आर रिप्रेजेंट द सेम थिंग, वी हैव गिवन दैट बोथ कोएफिशिएंट्स आर इक्वल, क्या है इक्वल्स हैं, सो मीन्स टी इसकी फिफ्थ टर्म टी फिफ्थ इक्वल टू टी एट के इक्वल है, मीन्स टी फिफ्थ इक्वल टू टी एट है, ओके, तो इसकी टी फिफ्थ क्या है 11 सी 4 इंटू ए रेज टू पावर 7 अपॉन बी रेज टू पावर 4, ए रेज टू पावर 7 अपॉन बी रेज टू पावर 4, विच इज इक्वल टू टी एट, इसकी टर्म क्या है 11 सी 4, सॉरी 11 सी 7 इंटू ए रेज टू पावर 4, और माइनस 1 रेज टू पावर 7 क्या माइनस होगी, तो माइनस अपॉन बी रेज टू पावर 7, तो 11 सी 4 और 11 सी 7 इक्वल्स होंगे, क्योंकि वी नो दैट एन सी आर इज इक्वल टू एन सी एन माइनस आर के इक्वल होगा, ओके, सो 11 सी 4 इज इक्वल टू 11 सी 11 माइनस 4 मीन्स 11 सी 7 के इक्वल होगा, तो 11 सी 4 इक्वल टू 11 सी 7, नाउ ए रेज टू पावर 4 से ये पावर 4 कैंसिल आउट हो गई, यहाँ पर वैल्यू क्या हो जाएगी ए रेज टू पावर 3, और बी रेज टू पावर 4 से इसकी 3 पावर कैंसिल आउट हो जाएगी, तो वैल्यू क्या हो जाएगी माइनस 1 अपॉन बी रेज टू पावर 3 हो जाएगी, सो ए क्यूब इंटू बी क्यूब की वैल्यू क्या आ गई इक्वल्स टू माइनस 1, सो ए क्यूब इंटू बी क्यूब क्या आ गया हमारे पास इक्वल्स टू माइनस 1, सो इफ कोएफिशिएंट्स ऑफ द x raised to the power 10 in this expansion is equal to the coefficient of x raised to the power minus 10 in this expansion are equal, then relation between a and b kya aa gaya hamare paas a cube into b cube equals to minus 1, so relation between a and b is a cube into b cube equals to minus 1, so this is the answer for this question.